धनतेरस और छठ पूजा पे काफी सारी जो ऑफर मिलता है। तो ये जो मशीनें जो आप देख रहे हैं, काफी सारे नए मॉडल का जो राइस मिल है आपने देखे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीसरा बिल्कुल, तो यह एकदम बदलते हुए जमाने का बदलता हुआ राइस मिल है, एकदम लेटेस्ट मॉडल है जो कि अभी मार्केट में लॉन्च तरीके से चला सकते हैं, एलिवेटर के साथ भी चला सकते हैं, एलिवेटर हटा के भी चला सकते हैं। दोनों चावल को जो है दो से तीन अथी में बांटा जाएगा, 100% जो पूरी चावल है उसको अलग किया जाएगा, आधा चावल है उसको किया जाएगा। तो सर आपने ये जो मशीनें बताए हैं एलिवेटर वाली मशीन है 6 and 17 Pro Max है, तो सर इसका प्रोडक्शन कितना होने वाला है? इसका प्रोडक्शन भी वही साथ है। आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों जब भी आते हैं कुछ न कुछ नए रोजगार की तलाश में आते हैं, तो हम अभी आ चुके हैं मुजफ्फरपुर के एक ऐसे कंपनी पे जहाँ पे लघु उद्योग के मशीनें जो है तरह तरह के मशीन बनाई जाती है और न्यू टेक्नोलॉजी के मशीनें बनाई जाती है, और यहाँ पे बताते हैं कि अपना छोटा रोजगार अगर शुरू करना चाहते हैं तो वो अपना कैसे कर सकते हैं। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और जानते हैं एक नई बिजनेस आइडिया के जो धमाकेदार होने वाला है। और जानते ही हूँ कि धनतेरस और छठ पूजा में जो है काफ़ी ऑफर के साथ आते हैं, तो अभी का जो वीडियो जो होगा वही धमाकेदार होगा और धमाकेदार बिजनेस के साथ। तो मिलते हैं यहाँ के ओनर से और बताते हैं यहाँ के कौन सा बिजनेस करके आप महीने का एक अच्छा सा कमाई कर सकते हैं। सर काफ़ी सारे यहाँ पे आपके वीडियो बनाए हुए हैं, हमारे दर्शक को नया नया मशीनें नया नया टेक्नोलॉजी का दिखाने का प्रयास करते हैं, तो हम फिर से आ गए हैं आपकी कंपनी में। तो सर आज हमारे व्यूवर्स जो दर्शक जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए आज क्या खास होने वाला है? देखिए जब जब आप लोग वीडियो बनाते हैं ना, तो आपके कमेंट सेक्शन में जिस मशीन की रिक्वायरमेंट होती है, दर्शक जो कमेंट करते हैं कि भैया इस मशीन का बनाइए, तो हमारा उद्देश्य होता है कि जो भी दर्शक हैं उनको 100 तरीके का मशीन चाहिए तो 100 कंपनी जाना नहीं पड़े। बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं कि एक ही कंपनी के अंदर उनको सारी मशीन मिल जाए, वो भी एकदम सस्ते दामों पर। बिल्कुल, बिहार में नहीं सर, अदर स्टेट में ही बहुत नाम जाना जाता है कि आपके यहाँ पे जो है कोई भी मशीन हो बहुत सस्ता मिलता है। तो सर आज हमारे दर्शक को कौन से बिजनेस के कौन से मशीन के बारे में बताना? देखिए सबसे बड़ी सस्ता जो बोल रहे हैं, तो सस्ता तो मैं देता हूँ, बिल्कुल नो डाउट सस्ता का मेरे पास दो कारण है, इसलिए हम सस्ता मशीन देते हैं। बिल्कुल, कुछ मशीन तो हम खुद बनाते हैं जिसमें हमारा जो ट्रेडिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी GST बचता है, इस वजह से सस्ता होता है। दूसरा कारण है सस्ता का, कुछ मशीन मैं नहीं बनाता हूँ, जैसे आज जो बात करने वाले हैं राइस मिल पे, यह हम नहीं बनाते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि बल्क में परचेज करें। जी, तो जब बल्क में परचेज करते हैं और हम लोग जो अपना मुनाफा है वह छोटा मुनाफा रखते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोगों तक सस्ता मशीन पहुंचा पाते हैं। सर राइस मिल जो बता रहे हैं वो कौन कौन सा मॉडल है उसके बारे में हमारे थोड़े से? राइस मिल आपको 3 HP से लेकर और 10 HP तक लगभग 15 से 20 मॉडल मेरे पास अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जो सामने जो दिख रहा है ये कौन सा मॉडल है और ये कैसे चलता है यहाँ पे? तो सामने में सर अधिकतर मैंने मशीन देखा है की मोटर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है इंजन लगा हुआ है, तो इसमें क्या खास है सर? यह मशीन जो कैमरे पे दिख रहा है, यह 10 HP के सेगमेंट में मशीन आती है, 10 HP के सेगमेंट। इस मशीन का नाम है 6 and 70। जी जी, तो इसके क्या खासियत है सर? इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो घंटे की लगभग 600 से 700 KG प्रोडक्शन देती है। बिल्कुल, घंटे का? घंटे का। तो ये सर पुराने वाला टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है या इसमें नया? नहीं है? नहीं, बिल्कुल जो आप गांव देहात में जो पहले देखते थे, जो पुराना हॉलर रहता था, बिल्कुल, तो उसमें क्या था कि मैनुअली ढंग से धान की कुटाई की जाती थी तब चावल निकलता था, 2 से 3 बार में। बिल्कुल, एक बार कुटाई होता था, एक बार छटाई होता था, कभी कभी ऐसा भी होता था कि 2 बार में नहीं कंप्लीट होता तो तीसरा बार भी करना पड़ता था। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो मशीन आप कैमरा पे देख रहे हैं, जो मशीन कैमरा पे आप देख रहे हैं, यह मशीन एक बार में A to Z वर्क करके देती है। तो सर गांव में जो जनरली पहले देखते थे 2 बार 4 बार, यहाँ तक कि उसके साथ डस्ट भी आता था जैसे गुंडा बोला जाता है, तो इस मशीन में क्या खास है? तो वो साथ में आता है या अलग आता है? इसमें जो है आपको डस्ट जो कहते हैं, जैसे हम लोग भाई गांव के आदमी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, शायद आप लोग का भाषा नहीं समझते हैं, हम लोग उसको कहते हैं धान का भूसा और कण। जी, जी जी, दो तरीके का होता था पुराने वाले मशीन। बिल्कुल, और इसमें है कि एक ही तरह का, जिसको कण कहिए, गुंडा कहिए, उसको गर्दा कहिए, जो कहना है, एक बार आपको साइक्लोन के माध्यम से निकल के आती है। पुरानी वाली मशीन में जो होता था कि धान कुटाने के बाद पॉलिश करने के लिए फिर से डालना पड़ता? नहीं नहीं, इस मशीन में है कि चाहे A to Z प्रकार का धान को डालिएगा एक बार में, बिल्कुल फाइनल और फिनिश प्रोडक्ट निकालेगा, साथ में पॉलिश भी करेगी यहाँ से। बिल्कुल, और उसमें अगर धान ही होता है तो धान में बहुत सारे धान में होता है, कुछ धान में भी 1 नंबर और 2 नंबर होता है, बिल्कुल, ठीक है,
एक नंबर जो होता है सॉलिड होता है जिसका चावल बनता है, और दो नंबर जो होता है उसमें देखते हो ये है कि आधा चावल का टुकड़ा आता है। बहुत जगह उसको लोग खुद्दी भी कहता है, अलग अलग नाम है, शायद हमको उतना पता भी नहीं है। बिल्कुल। तो उसके लिए है आपको यहाँ ग्राइंडिंग करके छटाई करके निकालेगा, वो जो अलग ऊपर से फ्रेश चावल निकलेगा और जो धान का टुकड़ा होगा चावल का उसको नीचे से निकल जाएगी। बिल्कुल। आपके चैनल पे हम इसका डेमो भी देंगे, इस वीडियो में हम डेमो भी देंगे कि कैसे फ्रेश चावल अलग निकल रहा है और टूटा हुआ चावल अलग निकलता है। बिल्कुल। तो सर ये सिर्फ इंजन से ही चलेगा कि मोटर से भी चलेगा? इसको आप इंजन से चलाइए, मोटर से चलाइए, आपको ट्रैक्टर पे चलाइए, जैसे चलाना है वैसे चलाइए, मशीन चलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो देख भी रहे हो इसको, आप इसको आप आसानी से मोटर से ऑपरेट करेंगे, मोटर से भी ऑपरेट कर सकते हैं इसको। 10 HP की मोटर, 7.5 HP की मोटर, 12.5 HP की मोटर, अगर आपके पास पुराना कोई भी मोटर है उससे आप इसको आसानी से ऑपरेट करेंगे। बिल्कुल। इसके अलावा कौन सा मोटर दोस्तों यहाँ पर आप देख भी रहे हो, एक दो मोटर नहीं है, एक दो मशीन नहीं, यहाँ पर जो है कितने मशीनें जो आपने देख रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये सर कौन सा मॉडल है? 6N70 Pro Max। 6N17 Pro Max का क्या अंतर है सर इसमें, जो कि पूरे बिहार में अभी नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर सामने में दोस्तों देख भी रहे होंगे काफी सारे डिफरेंट है यहाँ पर आपका, ये जो है ये क्या सिस्टम है सर, ये यहाँ पे जो सामने में इसका क्या अंतर है, क्या काम है सर? देखिए यह एलिवेटर लगा हुआ है जिसको हम लोग कन्वेयर भी कह सकते हैं, कन्वेयर का ही एलिवेटर लगा हुआ। इसमें क्या है कि यह हाई प्रोडक्शन मशीन है, ठीक है? पहला चीज हाई प्रोडक्शन मशीन है, तो आपको बार बार जो नीचे से धान को उठा के इसमें डालना पड़ेगा जी, तो ऐसी स्थिति में आपको परेशानी होगी, थक जाइएगा। तो आपको यहाँ डाल देना है, इस हॉपर में डाल देना है और ऑटोमेटिक एलिवेटर धान को यहाँ ला देगा, फिर धान को ऑटोमेटिक मशीन साफ करके निकाल देगी। इसका अगली वीडियो में मैं डेमो भी दूंगा, इसमें लोहा लकड़ पत्थर कुछ भी जो होगा ना उसको यहाँ से फ्रेश करके निकाल के हटा देगा। देख मेरे दोस्तों यहाँ पर सामने में यहाँ पर जो जितने भी जो लोहा कंकड़ जितना भी डस्ट होगा वो उससे यहाँ माध्यम से यहाँ आपको फ्रेश करके निकाल के इधर से दे देगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद भी इसमें 2 से 3 लेयर आपको लगा हुआ है, देख सकते हैं। इसमें क्या डिफरेंट है सर? आपने ये जो मशीनें बताया है एलिवेटर वाली मशीन है, 6N17 Pro Max है, तो सर इसका प्रोडक्शन कितना होने वाला है? इसका प्रोडक्शन भी वही 700 kg के आसपास होने वाली है। इसके अलावा कौन कौन सा मॉडल सर? तो दोस्तों यहाँ पे देख भी रहे होंगे सर का जो कंपनी जो है कितनी बड़ी कंपनी है, लगभग बिहार में हमको नहीं लगता इससे बड़ी कंपनी होगा, तो इसके बारे में बता रहे थे सर। यह मशीन जो है ओल्ड इज गोल्ड, जो पुराना है ना जी जी, पुराना जो हॉलर गांव में चल रही है, बिल्कुल सेम मशीन है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लगा हुआ है, उसी को रिमॉडलिंग किया गया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे पुराने इसके हॉपर की भी बात कीजिए, देखिए कितना बड़ा डाला हुआ है, इसकी चैम्बर भी बहुत बड़ा है। इसके प्रोडक्शन की भी बात करें तो घंटे की लगभग 1000 kg जैसे पुराने। लेकिन इसमें एक चीज और है जो कि वीडियो में कोई नहीं बताता, हम बता देंगे, इसमें आपका चावल और चावल का जो टुकड़ा है वह साथ में आएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये आप जो बताए भी हैं पहले भी बता दिए कि ये पुराने गांव के लिए वरदान है, जो पुराने जमाने का था उसका सेम मॉडिफाई किया गया है आपका ये न्यू में, बस हाई प्रोडक्शन इसको किया गया है। व्यूअर्स का इंतजार होता है कि प्राइस, तो सर आज हमारे व्यूअर्स के लिए कितने प्राइस से स्टार्ट होगा उसके बारे में बताइएगा। 6N70 की बात करें तो मात्र 45,000 प्लस GST, 45,000 प्लस GST। और जो आपने बताया दूसरे जो मॉडल है उस सब का सर लास्ट कितना कितना से स्टार्ट होता है, कितने तक है आपके यहाँ पे? 95,000 प्लस GST है। जी जी। तो सर ये जो मशीनें आप दिखाए हैं तो ये बताए भी कि ट्रेडिंग करते हैं, तो ये मशीनें का सर्विस अगर कोई इन द केस होता है तो सर उस सर्विस कैसे हो पाएगा उसका? देखिए इस हमारा जो भी मशीन है यह 0 maintenance की मशीन है। बिल्कुल। उसके बाद भी अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए हमारी कंपनी हेलो डिस्पोजेबल 2400 घंटा बैठी हुई है, 300 दिन 12 महीना। तो सर कितने सालों का सर्विस होता है? 1 साल की। बिल्कुल। और उसके बाद भी 45,000 प्लस GST है, लेकिन जो भी आपके वीडियो को शेयर करते हैं, बिल्कुल, और आपका वीडियो कंपनी के नंबर पे शेयर करके और कॉल करते हैं कि भैया हम इस चैनल को देखकर आपके यहाँ आ रहे हैं, तो दीपावली, धनतेरस और छठ महापर्व के 7 दिन बाद तक, बिल्कुल, उनको कुछ न कुछ स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। तो सर हमारे व्यूअर्स दर्शकों को जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मशीनें जो आप लोग चारों तरफ ये मशीनें जो देख रहा है, अगर ये बिजनेस करना चाहते हैं, अगर इस बिजनेस के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं
तो सर का नंबर डिस्प्ले पे है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस मशीन के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं और आकर के यहाँ पर चेक करके ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसी तरह का बिजनेस हमेशा देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं एक नई बिजनेस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।